आगे बात करते हैं अपन एक बोध कविता के ऊपर, यानी नरेश मेहता की एक बोध कविता चल रही थी उसी के ऊपर आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए, एक बोध कविता में मनुष्य को संकेत प्रदान करके कवि कह रहा था कि मनुष्य पुरानी परंपराओं का त्याग करता नहीं है और वर्तमान समय से पूर्ण रूप से अपना सरोकार नहीं रख पाता है, उसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे। ऐसी स्थिति में मनुष्य अपने आप को अकेला महसूस करता है और स्मरण के सारे, स्मरण की बैसाखी का सहारा लेकर मनुष्य उस रेत के पद चिन्हों पर क्या संकेत प्रदान करेगा, अर्थात आने वाली पीढ़ी को क्या योगदान प्रदान करेगा, आगे चर्चा करते हैं। यही हमारे लिए अनुधावित रहे हैं, अर्थात यही हमारे लिए अनुधावित का मतलब अनुसरण, ठीक है, अनुसरण करने योग्य है कि इनकी मैत्री क्या है, अर्थात इनकी इनसे मित्रता करने का क्या लाभ हो सकता है। इसलिए मनुष्य को पुराने का त्याग करके नए के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहिए, तभी मनुष्य उसके अनुरूप आने वाली पीढ़ी उससे कुछ सीखती है। इनकी मैत्री क्या, अब हमारे और उस छूटे हुए विगत के बीच, विगत का मतलब समय, छूटा हुआ समय, बीता हुआ समय, यानी वर्तमान समय और बीते हुए समय के बीच संबंध है, तो यह है कि हम प्रव्रजावसित हैं, प्रव्रजावसित हैं, अर्थात दूसरे स्थान से आए हुए अपने आप को महसूस करते हैं। ऋतु अभिषेक सिर पर झेलते हैं, हर ऋतु का हम सम्मान करते हैं, हर ऋतु का हम प्रभाव देखते हैं, हर ऋतु का आदर सम्मान करते हैं। भाल पर संकोच रेखाएं हैं, भाल का मतलब होता है मस्तक, भाल का मतलब क्या होता है, मस्तक, ललाट। भाल पर संकोच, संकोच का मतलब चिंतित, रेखाएं नजर आती हैं, व्यवस्थाएं कंठ में है और कंठ में व्याकुलता नजर आती है, बेचैनी नजर आती है, ठीक है, व्याकुलता अत्यधिक नजर आती है, बेचैनी अत्यधिक नजर आती है। अनागत यात्रा सम्मुख तवे सी जल रही है और आने वाले जो समय है वो आने वाला समय हमें अत्यधिक पीड़ाजनक महसूस होता है, अत्यधिक पीड़ाजनक महसूस होता है। इसलिए उस मनुष्य उस आने वाले समय से भी अपना पूर्ण सरोकार नहीं रख पाता है। हम आयु के अश्वत्थ, अश्वत्थ अपनी छाँव को भी स्वीकार जिसे को है नहीं, यानी कि मनुष्य का जो आयु से संबंध होता है, उस आयु के अश्वत्थ राहगीर को अपनी छाँव के ऊपर भी उसे भरोसा नहीं है, यानी वर्तमान समय में मनुष्य को अपने आप पर भी भरोसा नहीं रहता है। इसलिए वो पुराने का पूर्ण रूप से त्याग करता नहीं है और वर्तमान समय से अपना पूर्ण रूप से सरोकार नहीं रख पाता है। इसलिए मनुष्य ऐसी स्थिति में अत्यधिक असमंजस्य की स्थिति होती है और इस असमंजस्य की स्थिति में अपना दुखी जीवन यापन करता है, ठीक है। इसलिए ये कवि यहाँ पर पाठक को यही संकेत प्रदान करता है कि मनुष्य को अपनी पुरानी जो परंपराएं, उन परंपराओं के साथ साथ आधुनिकता या वर्तमान समय के परिवर्तन को भी स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। ये हुई तुम्हारी ये कविता एक बोध, तो ये अपना काव्य होता है कंप्लीट। आज अपना काव्य कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे गद विधा, अर्थात साहित्य की दूसरी विधा गद विधा, वो अपन कल चर्चा करेंगे। इस चैप्टर के जो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है वो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन पूरे के पूरे आपको अपनी होमवर्क की कॉपी में करने हैं और निबंधात्मक में केवल दो प्रश्न करने हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यानी निबंधात्मक में दूसरा प्रश्न, पहला और दूसरा दोनों प्रश्न करने हैं, ठीक है। ये हुआ अपना काव्य खंड कंप्लीट, सप्रसंग व्याख्या सहित मैंने धीरे धीरे समझाया है, ठीक है। आगे अपन जो गद्य पढ़ेंगे उसको भी इसी प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।